जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एच आरुल, आप देख रहे हैं वारम क्लासेस। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास सिक्स में साइंस में चैप्टर नंबर फोर, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो चैप्टर में हम समझेंगे कैसे हम मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करें और उनको कैसे ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द थिंग्स विच वी ऑल यूज इन अवर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ऑल मटेरियल्स हैव मास, वजन होता है, शेप एक कुछ आकार होता है, एंड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन मेनी क्राइटेरिया। और उनको अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। और उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, हमारी फिजिकल स्टेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, वो फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स क्या क्या है। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज मटेरियल्स कैन बी डिफरेंशिएट इनटू रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे लिस्ट कर रखे हैं। तो पहले बात करते हैं कि द मटेरियल्स कैन बी सॉर्टेड इनटू देयर ग्रुप्स बेस्ड ऑन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला क्या है, सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड है गैस। यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये ग्लास है, ये सॉलिड है, तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया ना, ये सॉलिड है और इसके अंदर जो पानी है वो क्या है, वो लिक्विड है, तो वो मटेरियल वाटर क्या हो गया, लिक्विड अलग आ गया। और जो यहाँ पे हवा है, गैस है, तो वो एक अलग टाइप का मटेरियल आ गया। सेकंड आता है क्राइटेरिया, जिसमें कि हम क्लासिफाई करते हैं उनके अपीयरेंस के बेस पे। और अपीयरेंस ऑफ मटेरियल में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, कलर हो सकता है, उसका टेक्सचर हार्ड है या सॉफ्ट है, चमकीला है या नहीं है, लस्टर मतलब चमकीला। थर्ड क्राइटेरिया आता है मटेरियल को सॉर्ट करने का, वो है हमारा सोल्युबिलिटी। द सोल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल ऑफ मटेरियल्स इन वॉटर। यानी कि सोल्युबिलिटी क्या है, कि कुछ मटेरियल सोल्यूबल होते हैं, घुल जाते हैं पानी में, कुछ नहीं घुलते, तो उसी के बेस पे हम यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमारा है सोल्ट और शुगर, पानी में घुल जाएंगे तो ये एक टाइप के मटेरियल हो गए, और चौक और सैंड है वो नहीं घुलेंगे तो वो एक टाइप के मटेरियल हो गए। फोर्थ क्राइटेरिया आता है जो कि जिससे कि हम मटेरियल को डिफरेंशिएट करते हैं, वो हमारा मेटल्स या नॉन मेटल्स, कि या तो मटेरियल मेटल में आता है या नॉन मेटल में आता है। जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये हमारे क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। और जबकि चौक, कोल, रबर किसके एग्जाम्पल है, हमारे नॉन मेटल्स के। फिफ्थ क्राइटेरिया आता है जिसमें कि हम मटेरियल को सॉर्ट करते हैं, वो होता है लाइट ट्रांसमिशन के बेस पे। कुछ मटेरियल क्या करते हैं, लाइट को पूरा ही ट्रांसमिट कर देते हैं, कुछ पार्शियल करते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं करते। अब देखते हैं उनके एग्जाम्पल में क्या क्या। जो ओपेक होते हैं, ये वो होते हैं जो बिल्कुल भी ट्रांसमिट ना करे लाइट को, जाने ही ना दे। जैसे मेरे पीछे वॉल है, तो ये वॉल बिल्कुल भी लाइट को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। ट्रांसल्यूसेंट आते हैं जो पार्शियल करे, ना तो वो 100% ट्रांसमिट करे, ना वो बिल्कुल ही ट्रांसमिट ना करे, यानी कि पार्शियल ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कि कोई ग्लास शील्ड हो गई, या हमारा होता बटर पेपर होता है ना, वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ट्रांसल्यूसेंट का। थर्ड आता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट में वो आते हैं जो 100% ट्रांसमिट कर देते हैं, जैसे हमारा ग्लास होता है, वॉच ग्लास। अब क्लासिफिकेशन मैं बता चुका हूँ कि किन किन बेस पे कर सकते हैं, और उनमें आते हैं ट्रांसपेरेंसी, हार्डेंसी, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, फ्लोट सिंक। ये अभी आगे मैं फर्दर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ फ्लोट सिंक क्या है। क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत क्या पड़ी, ये तो आप भी आंसर दे पाओगे ना, आसान क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन से सारी चीजें आसान होगी। हमने एक ऑर्डर बना लिया कि एक टाइप के मटेरियल इस ग्रुप में आ गए, एक टाइप के इसमें आ गए, तो हमें कोई एक पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल चाहिए होगा, तो हम उस ग्रुप में जाएंगे, उसको उठा लेंगे और अपना काम कर लेंगे। हाउ मटेरियल्स आर क्लासिफाइड, तो मटेरियल्स को क्लासिफाई उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेस पे किया जाता है, मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ। अब बात करते हैं अपीयरेंस में, तो अपीयरेंस के बेस पे एक ये प्रॉपर्टी थी ना कि जिसपे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तो उसको अब फर्दर डिस्कस करते हैं। एक डेफिनेशन आती है पॉलिशिंग, मेटल पॉलिशिंग एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड टू अ मेटल सरफेस बिकॉज इट स्टॉप्स ऑक्सीडाइजेशन। तो पॉलिशिंग क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है किसी भी मटेरियल के ऊपर, मेटल के ऊपर, तो वो मेटल के ऊपर प्रोटेक्टिव शील्ड क्या काम करती है, उसके ऑक्सीडेशन बचाती है। और ऑक्सीडेशन क्या करता है, अगर हो जाए तो वो करोड कर देगा, खराब कर देगा उस मटेरियल को। जैसे आयरन को अगर हम प्रोटेक्ट ना करें तो उसके ऑक्सीडेशन से उसे रस्ट लग जाता है और वो खराब हो जाता है। इट इज अ मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द ड्यूरेबिलिटी एंड टेक्सचर ऑफ मेटल सर्फेसिज एज दे मच लेस लाइकली टू वियर और करोड। वही कि खराब नहीं होंगे अगर प्रोटेक्टिव लेयर हम उनपे चढ़ा देंगे, तो पॉलिश कर देंगे। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अपीयरेंस, तो मटेरियल्स कैन बी
डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन देयर लुक्स, सही बात है। सम लाइक डायमंड एंड गोल्ड आर शाइनी, जो हमारा हीरा है और सोना वो चमकीला होता है, और कुछ हमारे तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लस्चरस कहते हैं। और कुछ मटेरियल जैसे ग्रेफाइट वुड हो गया, ये शाइनी नहीं होते तो उन्हें हम नॉन लस्चरस मटेरियल में काउंट करते हैं। जैसे मेरे पास ये है टी शर्ट, ये नॉन लस्चरस में काउंट होगी, और जैसे मेरे पास ये है सिल्वर चेन, तो ये लस्चरस में काउंट होगी। तो ये हमारे अलग अलग अपीयरेंस पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं अगले हम हार्डनेस की। हार्डनेस में आती है हमारी डेफिनेशन टफनेस, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड स्ट्रेस विदाउट ब्रेकिंग इज टर्म्ड एज टफनेस, यानी बिना टूटे कितना हम उस पर क्या कहते हैं स्ट्रेस डाल सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी, टफनेस आती है। अगर किसी मटेरियल की हाई स्ट्रेंथ है और यहाँ पे लेस आएगा, हाई स्ट्रेंथ है एंड लेस डक्टिलिटी है तो वो ज्यादा टफ होएगा, जबकि कोई मटेरियल उसकी लो स्ट्रेंथ है बट हाई डक्टिलिटी है वो कम टफ होएगा। ये ऐसे समझिएगा कि ये पेन है, इस पे मैं ऐसे स्ट्रेस लगाऊंगा तो डक्टिलिटी क्या होती है कि वायर में वो मतलब मेलेबल हो जाए, बट ये वो नहीं हो रहा है तो इसकी टफनेस ज्यादा है। और जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी और इजिली डक्टाइल हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ वो टफनेस क्या है कम होगी। हार्डनेस में दो आते हैं, या तो हार्ड होता है या मटेरियल सॉफ्ट होता है। मटेरियल दैट कैन बी कंप्रेस्ड और डिफॉर्म्ड इजिली आर रेफर्ड एज सॉफ्ट सब्सटेंसेस, जिन्हें हम मतलब शेप आसानी से उनके बदली जा सकती है, तोड़ मरोड़ा जा सकता है आसानी से, उन्हें हम सॉफ्ट सब्सटेंस कहते हैं। वेयर एज मटेरियल्स दैट आर डिफिकल्ट टू बेंड और कंप्रेस आर टर्म्ड एज हार्ड मटेरियल्स या सब्सटेंसेस, जिन्हें आसानी से तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्ड सब्सटेंस कहते हैं। अब आती है हमारी बात सोल्युबिलिटी की। ये मैं पहले भी आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ, अभी डिटेल में जानते हैं। तो सोल्युबिलिटी के बेस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, जो होते हैं कंप्लीटली सोल्युबल हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, घुल जाते हैं वॉटर में, उन्हें हम क्या कहते हैं, सोल्युबल इन वॉटर। अदर सब्सटेंसेस जो मिक्स नहीं होते वॉटर के साथ या बिल्कुल ही डिसअपियर नहीं होते, चाहे हम उन्हें कितना ही घोल लें, कितनी देर तक घोलते रहें, तब भी वो ढीट के ढीट रहते हैं, घुलते ही नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनसोल्यूबल इन वॉटर कहते हैं। ये ऐसा आप समझिए ना, कुछ लोग होते हैं जो जल्दी से सब में घुल मिल जाते हैं लाइक सोल्यूबल, और जो बिल्कुल ही मतलब अपनी ही चलाते हैं, घुलते मिलते नहीं, किससे उन्हें हम इनसोल्यूबल कह सकते हैं। अब आता है हमारा फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में एक डेफिनेशन आती है बायंसी, द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूड ऑन द ऑब्जेक्ट और द बॉडी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन और सबमर्ज्ड इन फ्लूड इज टर्म्ड एज बायंसी। यानी अगर मेरे पास एक पानी का ग्लास है तो उसमें मैं कुछ ऑब्जेक्ट डालूंगा, एक मान लीजिए प्लास्टिक की बोल है उसमें डालूंगा, तो आप उसे प्रेस करते हो तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है ना, तो वही जो अपवर्ड फोर्स होता है उसे हम बायंसी कहते हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं बायंसी के बेस पे, मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं थिंकिंग ऑफ और फ्लोटिंग इन वॉटर, यानी या तो वो डूब जाए या वो तैरता रहे। अ लीफ फ्लोट्स ऑन वॉटर, जो पेड़ की पत्ती होती है या किसी प्लांट की वो पानी पे तैरती है तो वो फ्लोटिंग में आ गया, जबकि मेटल स्पून होती है वो डूब जाती है तो वो आ गया हमारे सिंकिंग वाली प्रॉपर्टी में। तो ऐसे हम फ्लोटेशन के बेस पे या बायंसी के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं मटेरियल को। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है डेंसिटी, तो डेंसिटी को समझते हैं। तो बेसिकली डेंसिटी का मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको क्या होता है, ये अभी आपको आएगा नहीं यूज में, बट आपको डेफिनेशन समझने के लिए काफी इजी रहेगा। डेंसिटी होता है हमारा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यहीं पे लिख रखा है, इट इज डिफाइंड एज मास पर वॉल्यूम, यानी मास पर वॉल्यूम। यू कैन थिंक ऑफ इट एज द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर पैक्ड इनटू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस, यानी कुछ स्पेस है उसमें कितनी अमाउंट का और कितने वजन का पार्टिकल को हमने रख रखा है। If the particles are packed tightly together, the density would be greater than if are loosely packed with a lot of empty space. क्योंकि अगर वो tightly पैक है तो उनमें वॉल्यूम कम होएगा, और वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो डेंसिटी हमारा ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, जो डिवाइड के नीचे होता है ना, वो जितना कम होएगा तो हमारा रिजल्ट उतना ही ज्यादा आएगा, और अगर वो जितना ही ज्यादा होएगा तो हमारा रिजल्ट उतना ही कम आएगा, ऐसे समझिएगा। This is taken as mass per unit volume of a given object. और इसकी SI unit क्या है? kg per meter cube. kg तो हमारा आ गया mass के लिए, और volume के लिए हमारा आ गया meter cube. Density is the reason of some objects sink and other objects floats.
तो डेंसिटी हमारा एक कारण होता है जिससे कि हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो डूब जाएगा और डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट करेगा। आप फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए ये चीजों को समझोगे तो आपको सारा याद रहेगा और काफी लॉन्ग टर्म तक ये सब चीजें समझ आती रहेंगी। अब आता है हमारा ट्रांसपेरेंसी। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लाइट ट्रांसमिशन के बेस पे भी हम डिफरेंशिएट करते हैं मटेरियल्स को, या तो वो जाने देता पूरी या पार्शियल ट्रांसमिट करता है या बिल्कुल ही नहीं जाने देता। तो वही है हमारा, एक तो ट्रांसपेरेंट आते हैं, एक ओपेक आता है, एक ट्रांसल्यूसेंट आता है। अब क्लासिफिकेशन इनको डिटेल में डेफिनेशंस के साथ देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट विच अलाउज विजिबल लाइट टू पास थ्रू इट कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, वही कि पूरा ही ट्रांसमिट कर दे, वी कैन क्लियरली सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सही बात है, तभी तो जो हमारे ये क्या चश्मे होते हैं वो ग्लास के बने होते हैं, क्योंकि वो लाइट को पूरा ट्रांसमिट कर सकते हैं हमें और क्लियरली दिखाई देता है। जैसे ग्लास, फिश टैंक एग्जाम्पल हो गए। ऑब्जेक्ट जो पार्शियल पासेज करते हैं लाइट का, यानी कि 100% ट्रांसमिट नहीं करते और बिल्कुल भी रोकते नहीं, ना तो सारी रोकते हैं ना सारी जाने देते हैं, आधा बीच का मामला रखते हैं ये। एग्जाम्पल में प्लास्टिक बोतल या पेपर कप। और जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही ढीट होते हैं, लाइट को जाने ही नहीं देते कुछ कर लो, तो उन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं और उनके आर पार हम नहीं देख सकते। तो वही है ना, हम सुपरमैन तो है नहीं कि जो वॉल के आर पार देख ले, क्योंकि लाइट ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा ना, वो ट्रांसमिट नहीं हो रही तो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो एग्जाम्पल आता है इनका ओपेक ऑब्जेक्ट का, वुड और मेटल्स। तो यही पे हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको सब चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए वारूम क्लासेस के साथ। जय हिंद।